सुल्तानपुर पर जीत हासिल करने के लिए मेनका गांधी ने वरुण गांधी का भी नाम लेने से वो पीछे नहीं हटी हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। सुल्तानपुर में एक बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा रहा है और वो मुद्दा रहा है एक मील का। जी हाँ, इस मील पर तमाम तरह की बातें होती आई हैं साल 1983 से लेकर, और अब तक भी यही मुद्दा सुल्तानपुर का अहम मुद्दा रहा है। इसी मुद्दे के बीच वरुण गांधी पर भी मेनका गांधी ने बयान दिया था और वरुण गांधी का भी विरोध करने से पीछे नहीं हटी हैं मेनका गांधी, जो कि उनके खुद के ही बेटे हैं। इसी बीच आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए सुनाते हैं कि किस तरीके से सुल्तानपुर में क्या अहम मुद्दे हैं और मेनका गांधी इनके लिए क्या कर सकती हैं या फिर क्या करने वाली हैं। मेनका गांधी ने अपनी रैलियों में सुल्तानपुर के विकास की बात की है, हालांकि उनकी रैलियों में विवाद भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनका मुद्दा अहम तौर पर विकास का ही रहा। सुल्तानपुर में 12 मई को चुनाव हुए थे। मेनका ने यहाँ चुनाव प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी और कभी संजय की पत्नी तो कभी वरुण गांधी की माँ बताकर लोगों का उद्धार करने की बात की। मेनका ने एक बात सबसे ज्यादा कही और वो ये कि मेनका साल 1980 में दुल्हन बनकर सुल्तानपुर आई थी और साथ ही संजय गांधी ने सुल्तानपुर को शक्कर मिल, अस्पताल और गोमती ब्रिज दिया है और अब वो उसी शक्कर मिल की हालत सुधारेंगी। दरअसल जिस विकास की बात मेनका कर रही हैं और जिस शक्कर मिल की दुहाई वो दे रही हैं, वो दोनों ही बेहद ज्यादा खराब हालात में है। सुल्तानपुर को साल 1983 में संजय ने शक्कर मिल दी थी। वहां रहने वाले लोगों को लगा कि ये मिल उनके इलाके में विकास लाएगी और आर्थिक तंगी दूर करेगी। कुछ हद तक ये हुआ भी, लेकिन पिछले कुछ सालों से सुल्तानपुर के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जी हाँ, शक्कर मिल में काम कर रहे कर्मचारियों और गन्ना किसानों को 22 महीने से वेतन नहीं मिला है। करीब 800 कर्मचारी और उनके परिवार वाले महीनों से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे ही एक कर्मचारी ने कहा कि 1983 में संजय गांधी के वादे पर अपनी 10 एकड़ जमीन शक्कर मिल के लिए दे दी थी। उन्होंने एक अच्छे भविष्य की कल्पना की थी। उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्कर मिल सुल्तानपुर में बन रही थी। फिलहाल मिल में मशीन ऑपरेटर और यूनियन वर्कर सेक्रेटरी के रूप में काम करते हुए व्यक्ति ने बात कही। उनके दिन का एक घंटा हर रोज विरोध प्रदर्शन में जाता है। वो 800 कर्मचारियों की 22 महीने की सैलरी के लिए लड़ रहे हैं। और तो और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि 70 एकड़ जमीन में भरी सुल्तानपुर किसान कॉरपोरेशन सुल्तानपुर किसान कोऑपरेटिव शक्कर मिल एक समय पर सोने की खान थी। सुल्तानपुर और साथ ही आसपास के इलाकों में गन्ने की क्वालिटी के कारण यहाँ की शक्कर बेहद ही ज्यादा अच्छी होती थी, पर अब यह आलम है कि इस मिल ने पिछले 5 सालों में मुनाफा नहीं कमाया। इसका नुकसान साल 2018 में दोगुना होकर 380 करोड़ हो गया। अब मिल में उसकी क्षमता के मुकाबले आधा प्रोडक्शन होता है और मिल के बंद होने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं साल 2019 लोकसभा चुनावों में मेनका गांधी ने सुल्तानपुर को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। उन्होंने मिल के नवीनीकरण की बात की, रैलियों में सुल्तानपुर के विकास के सपने दिखाए और तो और यहां तक कि मेनका ने भाजपा राज्य सरकार से मिल के लिए 7 करोड़ रुपए का आवंटन भी करवाया था। तो वहीं जो कि खबरों में आई थी, तो वहीं ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह उन्हें दे दी जाए। कर्मचारियों को सितंबर साल 2018 तक की तनख्वाह देने का आदेश भी हुआ। शक्कर मिल इस चुनावी सीजन में सुल्तानपुर का बेहद ज्यादा अहम मुद्दा है। गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का उधार चुकाना बाकी है। महीनों से किसानों को राहत नहीं मिली है और नीति आयोग का कहना है कि शक्कर मिल का उधार और कर्मचारियों की बकाया सैलरी अब तक खतरनाक स्थिति पर पहुंच गई है। वहीं सरकार जो नीतियां बनाते समय शक्कर मिल को भूल गई। अब बता दें कि मेनका गांधी ने सुल्तानपुर की एक रैली में कहा था कि वो अपने बेटे की तरह नहीं है, वो प्रशासन से काम करवाना जानती हैं। यानी कि वो ये कह रही थीं कि उन्हें वरुण गांधी ना समझा जाए।
और तो और कहीं ना कहीं वो ये मान रही थी कि वरुण गांधी काम करवाने में नाकाम रहे हैं। और तो और उन्होंने अपनी रैलियों में कहा कि वो एक सांसद नहीं एक माँ है और वोट उसी आधार पर मांगे हैं। अब जब सुल्तानपुर में वोटिंग हो चुकी है तब मेनका गांधी के सामने बड़ी चुनौती है। अगर मेनका गांधी जीत जाती हैं तो उन्हें शक्कर मिल की हालत को सुधारना होगा। अपने किए गए वादे को पूरा करना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि मेनका गांधी असल में संजय गांधी का वादा और उनका सपना पूरा कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अपने चुनावी प्रचार में रैलियों में वरुण गांधी तक को उन्होंने कह दिया है कि वो कहीं नाकाम रहे हैं, तो वहीं वरुण गांधी पर जो मेनका ने वार किया है, तो वहीं अब देखते हैं कि मेनका खुद कितनी सफल रह पाती हैं सुल्तानपुर में अगर वो जीत हासिल करती हैं तो। देखा आप सभी ने कैसे एक सभा में मेनका गांधी ने कहा कि वो वरुण गांधी नहीं है जो सरकार से काम निकलवा नहीं सकती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नाकामयाब समझती हैं वो वरुण गांधी को। ऐसी बीते दिनों रिपोर्ट्स वायरल रही हैं जो कि आपने इस रिपोर्ट के जरिए भी देखा होगा। तो वहीं आपने ये भी जाना कि किस तरीके से लगातार ही मेनका के कुछ स्टेटमेंट्स वायरल रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।